हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा वर्मा मेकओवर। सो आज मुझे एक इवेंट में जाना है। ऑलरेडी 9:30 होने वाले हैं और मुझे 9:30 निकलना था, बट मैं थोड़ा सा लेट हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो अभी फटाफट से हम लोग रेडी होते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि इवेंट वगैरह कैसे होने वाला है। तो गाइज, मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं करना, आप सबको वैसे भी पता है कि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। तो फाउंडेशन थोड़ा सा लेंगे एंड अपने फिंगर से ही अप्लाई कर लेंगे। फेस पे अप्लाई कर लेंगे, आईज पे भी। थोड़ा सा नेक पे। उसके बाद हम जो है लाइनर, लिपस्टिक, मस्कारा ये सब लगाएंगे। लिपस्टिक हम जो है लवर टच लिपस्टिक टेंट यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा नोज पे। मुझे ब्लशर बहुत पसंद है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा लगाती हूँ। ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। मुझे अभी भी कम लग रहा है तो मैं और थोड़ा सा लगाऊंगी। अब पाउडर से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो अब ब्रश तो मेरी किट में पड़े हैं तो फटाफट से मैं इसी ब्लेंडर से ही डैब डैब कर लूंगी। बाद हम आउटलाइन करेंगे अपने लिप्स को। लिप्स आउटलाइन हो चुके हैं, अब हम शुगर की लिपस्टिक यूज करेंगे, प्राइमर वाली। लिपस्टिक हमने लगा लिया है बट मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है लिप शेड। पिंक टोन लगा के रखते हैं आज। हमारी लिपस्टिक लग चुकी है, मस्कारा और लाइनर करने हैं, फटाफट से भी लगा लेते हैं नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। तो शुगर का ही लाइनर हम यूज कर रहे हैं और शुगर का ही मस्कारा यूज करेंगे। लाइनर भी डन, मस्कारा रह गया, मस्कारा लगा लेती हूँ। फिर हेयर तो मैंने ऑलरेडी स्ट्रेट रात को ही कर लिए थे। मेकअप वगैरह सब कुछ हो गया है मेरा, अब फटाफट से
चलते हैं, नहीं तो मैं आने वाली हूँ नहीं। देख लो स्पेक्स पहन के कैसी लग रही है। या डन। सो ये मेरा फाइनल लुक है गाइस, जो मैं बिंदी लगा के थी वो मैंने लगाई नहीं। स्ट्रेट करने की नीड तो है नहीं, क्योंकि अगर मैं इसके लिए रुकी तो मैं लेट हो जाऊंगी। ब्लशर मुझे अभी भी कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं लगाऊंगी। फिंगर से ही ब्लेंड कर लेंगे। सो गाइस फाइनली मेरा जो मेकअप है वो हो चुका है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं, मिलते हैं लोकेशन पे। बीच में अगर मुझे टाइम मिला तो हम वो वीडियो बना लेंगे, अदरवाइज तो नहीं। जब आपको कहीं भी जल्दी पहुंचना हो ना, ये रेड लाइट पर तो हमेशा ट्रैफिक लगता है, आप कभी पहुंच ही नहीं सकते टाइम पे। और जब आप लेट नहीं हो रहे हो तो ना, तब कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी। तो अभी मैंने बीच बीच में रुक रुक के वीडियोस क्लिप्स ऐड किए हैं। अभी हम सेक्टर 14 वाले रोड पे हैं, तो जल्दी से चलते हैं, मिलते हैं लोकेशन पे। हे गाइस, तो फाइनली हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये DLF फेज 2 में पड़ती है लोकेशन, तो जब इवेंट शुरू होगा तब दिखाते हैं बाकी की चीज़ें। मेरे टीम मेंबर्स ऑलरेडी अंदर थे और मैं बाहर खड़ी होकर अपनी वीडियो बना रही थी, कंप्लीट कर रही थी। मैं लेट तो थी थोड़ा सा, मतलब 10:15 हम लोग पहुंच गए थे। तो ये जो है ये हॉल है जहाँ पर इवेंट हमारा होना था। हमें एक बड़ा सा हॉल काइंड ऑफ मिलने वाला था, बट पता नहीं आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई थी कि हमें वो नहीं मिला। एक छोटू सा रूम था वहाँ पर ही हम लोगों ने, यही आप देख रहे हो ना, यहाँ पर छोटू सा रूम है उसमें ही हम लोगों ने मेकअप किया। तीन तीन लोग बैठ रहे थे तो उनका हम लोग मेकअप कर रहे थे। लाइक ज़्यादा मेकअप नहीं था, एक इवेंट के हिसाब से जो मेकअप था वो। तो देखो कि हम लोग मतलब तीन जनों को बैठा के एक साथ ही मेकअप कर रहे थे। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 25 पार्टिसिपेंट थे, तो सब लोगों का मेकअप करना था और सब लोगों का अलग अलग ड्रेसअप था, तो उनके अकॉर्डिंग मेकअप करना था। ज़्यादा मेकअप नहीं करना था, लाइट मेकअप ही था इन लोगों का। तो जो स्टार्ट हुआ था इवेंट वो 10:00 स्टार्ट हुआ था। लाइक हमारा जो मेकअप का काम है वो 10:00 स्टार्ट हुआ था और 1:00 तक हमें कंप्लीट करना था सब लोगों का, 25 लोगों का। तो हम लोगों ने कर दिया था उससे पहले ही। मुझे फैली सी लग रही है मुझे ना, वो आपके लिए ब्रॉड है ना, और अगर नॉर्मल अगर हमने कम लगाई ना आप। गूगल को भेज दियो लोकेशन। लेफ्ट कोई मसला नहीं है, लेफ्ट बाल में
मुझे इन बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ गया था कि हम लोग बीएससी स्कूल्स में परफॉर्मेंस करते थे। तो ये कथक डांसर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, बहुत मतलब बहुत ही अच्छी। मैं जो है म्यूज़िक जो है ऑन नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो, बट इसका जो म्यूज़िक था और जो इनका डांस था बहुत ही अमेजिंग था। ये राजस्थान से है तो उन्होंने राजस्थानी लुक क्रिएट की थी, मतलब अपना जो ड्रेसअप है वो राजस्थानी रखा हुआ था। तो सारे लोग मतलब अलग अलग अपना ड्रेसअप कर रखा है उन लोगों ने अपने जो है प्रोफेशन के हिसाब से, किसी ने अपने कल्चर के हिसाब से। तो ये राजस्थान से थी तो इन्होंने राजस्थानी लुक क्रिएट किया था। एंड जो अब आएंगे वो शायद हरियाणा से, आई डोंट नो, मतलब मुझे याद नहीं है कि ये कहाँ से है, मुझे ड्रेसअप से भी नहीं पता चल रहा, बट ये हरियाणा की है। तो ये जो है इनका अपना साड़ी का है, हैंडलूम है, मतलब वहाँ पर ये साड़ियाँ डिज़ाइन वगैरह करते हैं, साड़ी डिज़ाइनिंग है ये। और ये डेंटिस्ट हैं, ये भी हरियाणा से ही हैं। इनका खुद का एक बुटीक है, ये बुटीक अपना रन करते हैं। इतनी तेज बारिश हो रही थी गाइस, तो मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे ही आऊँगी घर वापस। मैंने सोचा था मैं कैब से चली जाती हूँ, बट मुझे क्या पता था कि बारिश आ रही है, स्कूटी से चली गई। हे गाइस, तो अभी मैं फ्री तो हो चुकी हूँ, बट इतनी बारिश हो रही है और मुझे एक्टिवा पे जाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ। हेलो गाइस, तो बहुत तेज बारिश आ रही है और मैं यहाँ पर ही बैठ जाती हूँ, मैं वेट कर रही हूँ बारिश रुके तो मैं घर जाऊँ। बारिश जो है ऑलमोस्ट उठ गई थी, मतलब इतनी तेज़ नहीं थी, तो मैं इसी बारिश में निकल गई थी और फिर उसके लिए क्या हुआ देखते। गाइस, यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मुझे पता भी नहीं है कि मैं किसके घर पे हूँ। मैं एक्चुअली बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं था। मुझे एक मतलब ओपन गेट दिखा था, मैं साइड में ऐसे खड़ी कर लिया एक्टिवा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मेरे हाथ पे ओले गिरे थे तो बहुत तेज़ लग रही थी। एंड मुझे नहीं पता कौन किसका है, ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी थोड़ी सी कम हो गई है बट बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो चलो हम चलते हैं, निकलते हैं। ऑलरेडी मैं पूरी गीली हो गई, बारिश बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। चलो मिलते हैं स्टूडियो पे। तो गाइस, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं है और मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल भीगी हुई हूँ,
DLF साइड में बहुत तेज बारिश हो रही थी और यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं है, बारिश का नामो निशान भी नहीं है यहाँ। बारिश में बिल्कुल धूप पड़ी। फाइनली हम स्टूडियो पहुँच गए हैं और रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, बट मेरे एरिया में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, तो मैंने कपड़े भी अपने चेंज कर लिए हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा व्लॉग, कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो या व्लॉग कोई भी आप मिस ना करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।